हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये रेसिपी है रवा उपमा। रवा उपमा आमतौर पे आपने सभी ने बनाया, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स प्लीज देखते रहिए ये वीडियो को। इसके लिए हमने लिया इसमें सनफ्लावर ऑयल, इसमें हम मिलाएंगे जीरा, आप चाहे तो राई ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा के साथ आपको लेना होगा इसमें सौंफ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह आप सौंफ पाउडर भी मिला सकते हैं, पर फ्रेंड्स जितना हो सके सौंफ मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमने मिला लिए इसमें एक चम्मच सौंफ, इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद इसमें आपको लेना होगा फाइनली चॉप करी हुई हरी मिर्च, ये हमने बारीक काट के बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाई है। इसके बाद हमने लिया इसमें शिमला मिर्च, ये हमने इसमें लिए हरी शिमला मिर्च, आप चाहे तो इसमें येलो और रेड बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये लिया है डाइसेस में कटे हुए टमाटर, इसे भी मिला देंगे इन सब में। इसके पहले आपको लेना होगा करी लीव्स, ये हमने मिला रखी है इसमें इस तड़के में। ये देखिए फ्रेंड्स, उपमा में जितना हो सके करी लीव्स जरूर मिलाइए, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है करी लीव्स का। इसके लिए हमने इसके बाद हमने मिला दिया इसमें टमाटर, सारे टमाटर मिला दिए इसमें। इसमें हमने लिए हैं दो मीडियम साइज के टमाटर, जैसे ही पक जाए इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे सारे सूखे मसाले। इसके लिए हमने लिया है इसमें धनिया पाउडर। फ्रेंड्स रवा उपमा बनाने के लिए आज आपको मध्यम रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करना है, अदरवाइज सारी सब्जी का टेस्ट बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिससे उपमा में टेस्ट नहीं आ पाता है। इसके बाद हमने लिया है इसमें चिली फ्लेक्स और हल्दी। फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा इसमें हमने नमक नहीं मिलाया, वो इसलिए नहीं मिलाया, नमक मिला देने से सब्जी अपना वाटर कंटेंट रिलीज कर देती है, इसलिए हम नमक अभी नहीं मिलाएंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें रवा। ये जो हमने रवा लिया इसे हमने अच्छे से रोस्ट करके रखा था, पहले से अच्छे से सेक लिया था रवे को, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है रवे का, वो वाला रवा हमने लिया है। इसमें हमने लिया है एक कप रवा, जितना आप रवा लेंगे उतना आपको इसमें पानी लेना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने रवा मिला दिया और इसको भी 5 मिनट तक आपको सेकना होगा इस तड़के में, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, सारे मसाले इसमें आ जाए। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इसमें हमने अब नमक मिलाया है, नमक अब मिला देने से सब्जियां अपना पानी नहीं रिलीज कर पाएगी, जिससे सब्जियों का स्वाद बरकरार रहता है उपमा में। इसे लगातार रोस्ट करेंगे 5 से 10 मिनट तक। अब आपको लेना होगा पानी, जितना आपने रवा लिया है उतना आपको लेना होगा इसमें पानी। पानी आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके आपको मिलाना है पानी उपमा में, और इसे लगातार सेकते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना कढ़ाई में। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे वीडियो में हमने थोड़ा 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 पानी मिलाया है और मिलाते जा रहे हैं, जिससे रवा अच्छे से सिकता है पानी में और सब्जियाँ अच्छे से पक जाती है। इसी प्रकार से सारा पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए आपको ढक देना है और 10 मिनट तक इसे कवर करके इसे कुक होने देना है मध्यम आंच पे। फिर इसका कवर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, हिला देंगे और फिर इसके बाद आपको सर्विंग बाउल में इसे सर्व करना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये उपमा रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए। अगर